फेयरवेल पार्टी दी, इतना फन किया, इतना अच्छा डांस किया और सबसे मज़ेदार हमें टाइटल दिए। और अब जो है वो हमारी क्लास की तरफ, हमारा भी कोई फ़र्ज़ बनता है कि हम भी अपनी टीचर्स को, उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने हमें इतनी अच्छी पार्टी अरेंज करके दी, सर आबिद को, टीचर्स को एक छोटा सा गिफ्ट दें। तो सबसे पहले सर आबिद को उज़्मा गिफ्ट देंगी। अब हमारी क्लास गिफ्ट देगी 9th क्लास को, तो प्लीज़ आएँ और हमसे गिफ्ट रिसीव करें। मिस बीना प्लीज़ आएँ और गिफ्ट रिसीव करें। अब हम छोटा सा गिफ्ट जो है वो अपने टीचर्स को देना चाहेंगे। अब हम अपनी क्लास की कुछ अच्छी, कुछ मज़ेदार, कुछ दुखी और कुछ मस्ती से भरपूर यादें आपके साथ शेयर करेंगे। जो कि बच्चियां यहाँ 10-12 साल से पढ़ी, यानी जो स्टार्टिंग से पढ़ी हैं, मैं उनको दावत देना चाहूँगी कि वो आएँ और हमसे हमारी अच्छी सी बातें शेयर करें। सो प्लीज़ कम रिजा, हुमायूं, फातिमा। एक दफ़ा और क्लैपिंग हो जाए, अच्छी वाली। ये थे वो पल जो हम लोगों ने 10-12 साल यहाँ गुजारे, लेकिन 9th क्लास में कुछ न्यू बच्चियाँ भी हमारे स्कूल में आई, हमें ज्वाइन किया, तो उनकी भी कुछ यादें हैं, कुछ बातें हैं जो वो हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं। तो मैं बुलाऊंगी एमन और मैन को कि वो आएँ और हमारे साथ यादें शेयर करें। ये थे हमारे वो पल जो हमने यहाँ इतने सालों से गुजारे। बस एंड में मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, स्पेशली सर आबिद का, जिन्होंने हमें मैट्रिक क्लास में इतना सपोर्ट किया। हमें एक काम होता था, हम सर आबिद के पास जाते थे और वो मिनटों से भी पहले हो जाता था। मिस शमाइला का, जिन्होंने हमें हर दिन इतना सपोर्ट किया, हमें कभी भी फ़न करने से नहीं रोका, फ़न किया और फ़न करवाया। मिस फौजिया से दोस्ती करना, उनकी डांट खाना, फिर सुधर जाना और फिर वही हरकतें करना, हमें हमेशा याद रहेंगी। हो सकता है इस स्कूल का और इस मैट्रिक क्लास का सफर यहाँ तमाम हो गया हो, लेकिन हमारी जिंदगी का सफर अभी जारी है। तो आप सब लोगों से यही दुआओं की अपील है कि आप दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमारी आगे की मंजिलें और हमारे सफर को आसान बनाए और हमारी दुनिया और आखिरत को अच्छा करे। आप सब लोगों से अल्लाह राजी हो। बहुत शुक्रिया।